हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है भाई लोगों, कैसे हो? मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जैसा मैंने आज सुबह ही आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताया था कि अब जो है वो जो 18 नंबर में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया का कल जो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, आगे नहीं बढ़ेगी, तो उसी के तहत अचानक में आज बिना किसी उसके अचानक में आज चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग में अब क्या हुआ भाई लोगों, इसमें बहुत सारे गहन सुरक्षा अभियान के तहत 1461 अजनबी लोगों को गिरफ्तार किया गया है भाई लोगों, एक ही दिन में। मैं वीडियो के साथ में पूरा फुल प्रूफ दिखाऊंगा आपको। अब क्या है कि 13 सितंबर निवास मतलब जो है रेजिडेंसी कानूनों का उल्लंघन और उसमें जो मतलब व्यक्ति पाए गए जो पकड़ने के लिए चल रहे सुरक्षा प्रयासों के हिस्से के रूप में इंटरनल मिनिस्ट्री के तहत निवास मामलों की जांच के सामान्य विभाग ने विभिन्न गवर्नेट यानी कि जितने भी गवर्नेट हैं वहां पे अचानक में एक चेकिंग अभियान चलाया। अब ये क्या है कि ये अब कुछ कार्यालय ऐसे खुल गए हैं जो 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन चलते रहेंगे। अब सुरक्षा टीम के गठन के बाद 2 सप्ताह से अधिक समय तक इन अभियानों के कारण निवास कानूनों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 1461 आदमी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जिनको वापस भेजने के लिए उनको जेल में भेज दिया गया है, इनको फिंगर ब्लॉक करके भेजा जाएगा। सुरक्षा संबंध और मीडिया के सामान्य विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सुरक्षा अभियान पूरे मतलब कुवैत में जारी रहेंगे और नागरिकों को आप इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर जो है 112 के माध्यम से अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि अगर किसी के आसपास में कोई इलीगल काम या गतिविधियां चल रही हैं। तो भाई लोगों, मैंने पहले ही बताया था कि अब ये जो है खत्म हो चुका है, अब इसके बाद में है अब चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तो अब ये चलता रहेगा क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपना ट्रांसफर नहीं कराया है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।